तो हाँ जी दोस्तों, तो आज मैं इस चैनल पर बताने वाला हूँ कि जय पुरु की लड़ाई क्यों हुई थी और पुरु भाई ने चैनल क्यों छोड़ा। तो अभी क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, क्रिकेट खेल के आता हूँ बताता हूँ। और मेन रीजन बीच में भी है और स्किप करके देख सकते हो एंड में भी है, तो जिसको स्किप करना वो स्किप कर लो। ओए खेलना मार्सन तो मार निकालना। पहला ब्लॉग है भाई का, पहला ब्लॉग ही मेरा कंट्रोवर्सी डाला आज कि पुरु वाला क्यों हुआ क्वेश्चन मार्क। और पता है ना, देखो रीजन किसी को नहीं बताना, अल्लाह का सामना किसी को नहीं बताना। हाँ जी भाई, पहले बताओ आपने जयपुर चैनल छोड़ा क्यों? भाई मैंने जयपुर चैनल इसलिए छोड़ा क्योंकि भाई मेरा सुकून और चैन छीन लिया था उस बंदे ने। हेलो दोस्तों, तो भाई आज नए ब्लॉग की शुरुआत है। तो आज हम क्रिकेट खेलने जा रहे हैं जस्ट पुरु की टीम। जयपुरु से जस्ट पुरु क्यों हो गई इस वीडियो में पता लगेगा, और एक क्लिक बेट नहीं है, हकीकत बताऊंगा भाई। हाँ क्या हुआ? नहीं था भाई, अरे बुआ जी को बोल के चाबी मंगा ले ऊपर से। बुआ जी का राज मेरे वहाँ चलते हैं यार, जगह चलेगा। अरे दूसरी बुआ है, सोनीपत वाली है। हाँ वे कहाँ है पुरु? जस्ट पुरु भाई आ रहा है यार, रास्ते में है, पहुंच गया शिमला। और जाए गया। तो दोस्तों टोली पूरी आ चुकी है, अंपायर भी आ चुका है, और बॉबी को बाल खुल के रेशन मना चुके हैं हम, और पुरु भाई अभी तक नहीं आए। तो अगर जाए भाई वीडियो देख रहे हो तो हम हर सैटरडे क्रिकेट खेलते हैं, सबसे पहले आ जाओ, हम आपकी टीम में ज्वाइन हो जाएंगे। पता है हराम ही हो बेटा। जाए पुरु की वीडियो आ चुकी थी, उसमें एडिटर था तो उसने मेरी जगह ले लिया, तो मैं इधर अब किलिया गाड़ रहा हूँ, मेरे एडिटर की जॉब छूट गई है। अरे आप एक किले गाड़ने का काम करते हैं, तो पानी ले गया। अभी गाइस जिस थंबनेल से आप देख के आए हो जयपुर की लड़ाई क्यों हुई है, अभी आपके सामने बताएंगे। तब तक हम टॉस कर लेते हैं। उछाल भाई क्या जय ओ है जी मस्त ये भैया जी आप तो हेडसेट्स हेड्स है भाई, जीत गया भाई। भाई वो बॉल चलाने गए, जल तो भी किसी और की रही है। भैया जी आप तो चले पागल, किसके नाम सुन लेते हैं, जय को थोड़ा बोल रहे हम। तो जो जयपुर में पहले काम करते थे जस्ट पुरु हमारे चैनल पे आ गए हैं। मैं सच बता रहा हूँ, चैनल में सब कुछ सच्चाई दिखेगी। जयपुर सेंटर के शूट पे आए हैं। नहीं वो ऐसे टॉपिक उस चैनल में चलते थे, हमारे चैनल में नहीं आएंगे। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना। जिस थंबनेल से आप आए हो, जिस थंबनेल से आप इस पे क्लिक किए, हमने चूत नहीं बनाया, आपको बताएंगे कि जयपुर अलग क्यों हो गए हैं। मैं सच बता रहा हूँ, एडिटर नया आ गया क्या? चलो हम क्रिकेट खेलते हैं, ऑन था ये तो। हाँ जी भाई, पहले बताओ आपने जयपुर चैनल छोड़ा क्यों? भाई मैंने जयपुर चैनल इसलिए छोड़ा क्योंकि वहाँ पे वो नहीं था जो मेरे को चाहिए था। मैं बताता हूँ एक्चुअली क्या हुआ था। इनकी ना 12 तारीख को पेमेंट आती है। अब बोल डाल, इनकी ना 12 तारीख को पेमेंट आती है, तो 2.5 लाख पेमेंट आई तो पुरु भाई की थूक कम होगी। जय ने गाली दे दी, थूक कैसे कम होगी, तो बैन तो सर वर्थ फटते फटते बचे, इसलिए अब जस्ट पुरु हो गया वो। कोई सेंस है इस बात की? आ जाओ टीम बांट लो। ओए खेलना मार्सन तो मार निकान बना। पुलिस में चला गया। ओए शिकाय किसी के पास? मेरे पास भी हो। तेल जीत गया। तो भाई अभी भी बता दो कि जयपुर क्यों छोड़ा। भाई बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे आपको, बट पहले 1 लाख सब्सक्राइबर तो करवा दो यार। बताओ यार, जनता जवाब चाहती है, यही डलेगा पूरा पूरा। तो भाई लड़ाई क्यों हुई बताओ, सच सच बताना। देखो जनता जवाब चाहती है, सबसे पहले यही डलेगा 10 सेकंड। भाई मेरा सुकून और चैन छीन लिया था उस बंदे ने, तो मतलब आप मेंटली थोड़ा प्रेशर से फ्रस्ट्रेट हो गया था मैं। चलो आपने इतनी बड़ा अरे पैरिंग कर ले यार, दिक्कत नहीं भाई, 3-4 पेटी की कमाई छोड़ दी ना मैंने महीने की, इसीलिए। चलो कोई नहीं, दिमागी सुकून चाहिए था क्योंकि जस्ट पुरु चैनल है, ठीक है भाई, सब्सक्राइब करना है। और हमारे कैप्टन कुंवर भाई का चैनल है। क्या भाई, हमने शुरू किया अभी नया नया चैनल बना है। और किसको सब्सक्राइब करना है? जस्ट पुरु को। और किसको नहीं करना? समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना, ये डलेगा असली कॉन्ट्रोवर्सी मेरे चैनल पे होगी। मैं रिप्लाई करो, क्या चल रहा है बाबूजी? छोले भटूरे एट अजय बंटी। ये सब जिम करने वाले भैया, ये ट्रेनर है, सुनने में आ रहा है, ये देख लीजिए इसकी डाइट आ रहा है, सुनने में आया है, अभी टेंशन में खाए, ये देखो कुंवर ये गला था देख, ये अलग ही चल रहा है। ब्राउन मुंडे, ब्राउन मुंडे, ब्राउन मुंडे, ब्राउन मुंडे।
तो भाई छोटी सी वीडियो बनी है, हमने मस्ती करी भाई, वीडियो भी बनाते हैं, थोड़ा बिहाइंड द सीन भी दिखाना चाहिए, मतलब हम क्या मस्ती करते हैं। और पुरु भाई हमारे साथ हैं, और जो भी बातें हुई देखो प्यार मोहब्बत वाली चीज है। जाए पुरु क्यों अलग हुए आप बिना बताए भी रीजन पता लग जाता है कि पुरु भाई के साथ यहाँ 20 बजे जुड़े हुए हैं जो पुराने थे, और वहाँ अगर वीडियो देख रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना भाई। मैं एक बहुत छोटी सी बात बोलता हूँ कि देखो हमारा कोई ये काम नहीं है कि हम हेट फैलाएं किसी के बारे में उल्टा सीधा बोले, बट देखो अब हमें जिस चीज में खुशी मिल रही है हम तो वही करेंगे। हमने ट्राई किया कि 3 साल तक किसी तरह उस चीज को हम कर ले साथ में, बट जब नहीं हो पा रही थी तो हमने छोड़ दिया। एक बिजनेस की चीज होती है भाई, पार्टनर है जब तक सही चल रहा है, फिर वही है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी अब समझदार हो, ऐसी व्लॉग आते रहेंगे। मेरा पहला व्लॉग था, इस बार 1 मिलियन का करना है चैनल, इसका भी और मेरा भी, प्लीज। चौथा चैनल है मेरा ये, प्लीज। हाँ जी दोस्तों, तो भाई अब क्रिकेट खेल के आ चुके। जिनको नहीं पता मैं कौन हूँ, तो भाई मैं रजत सेठी हूँ, जयपुर की वीडियो एडिट करता था, और मैं एक एडिटर हूँ और बाकी क्रिएटर्स की भी एडिटिंग करता हूँ। तो आप लोगों का एक क्वेश्चन और होगा कि मैं जयपुर पे काम कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, तो भाई मैंने जयपुर चैनल छोड़ दिया है। और तीसरा क्वेश्चन जिसकी वजह से आप आए हो कि जयपुर की लड़ाई क्यों हुई, तो भाई वीडियोस रेगुलर डल रही थी, व्यूज आ रहे थे, ट्रेंडिंग पे भी आ रही थी, पर मेन जो चीज़ की दिक्कत थी वो थी लड़ाई, वो होती थी शूटिंग पे। किस वजह से कि भाई उसमें जय भैया का था थोड़ा नेचर ऐसा कि गाड़ी तू लेकर आ, वो लेकर आ, दोस्ती यारी में जो लड़ाई होती है वो ही लड़ाई थी। लड़ाई खाली शूटिंग पे नहीं थी, एडिटिंग पे बैठते थे, एडिटिंग पे भी लड़ाइयाँ होती थी। मैं पिसता था बीच में क्योंकि बहसबाजी होती थी कि मेरे यहाँ एडिटिंग होगी, मेरे वहाँ एडिटिंग होगी। तो भाई मैं हूँ एक एडिटर, मेरे को काम से मतलब है, मेरे को चाहिए डाटा, मेरे को चाहिए क्लिप्स, मेरे को चाहिए एडिट करके वीडियो देनी क्रिएटर को। मेरा किसी से पर्सनल अटैचमेंट नहीं थी, ठीक है भाई। अब दो जगह लड़ाई ख़त्म हुई, अब तीसरी लड़ाई होती थी कहाँ पे, अपलोडिंग पे। तो भाई अपलोडिंग पे भी लड़ाई, तो ये लड़ाइयाँ रोज रोज की, तो भाई ये चीज़ हो रही थी परेशानी मेरी भी, पुरु भाई की भी, और बाकी टीम मेंबर्स की भी। कुछ बंदे छोड़ के चले गए, लड़कियाँ थी छोड़ के चली गई, कुछ बंदे पहले छोड़ के चले गए, तो ये दिक्कतें बढ़ रही थी। तो भाई लड़ाइयों का एग्जांपल बता देता हूँ कि हमारी कैब वाली वीडियो आई थी जयपुर पे, तो एडिटिंग का समय था 4:30 बजे, वीडियो एडिट कर रहे थे टीम जयपुर, जय भाई, पुरु भाई और मैं, तो हंसी मजाक चल रहा था जैसे दोस्ती यारी में चलता है। तो मैंने कुछ मजाक किया तो जय भाई को ऑफेंड हो गए और मेरे को कहते कि भाई लैपटॉप बंद कर, यहाँ से निकल। सच बता रहा हूँ, मैं काम की इज्जत करता हूँ, पुरु भाई की इज्जत करता हूँ, और उनकी वजह से ही मैं चैनल पे था। मेरे को कोई लालच नहीं था किसी से, मैं अपना काम करता था और वीडियो देता था अपने घर। भाई जिस तरीके से उसने मेरे को लैपटॉप बंद करके धक्का मार के निकाल रहा था, और लिटरली पुरु भाई और मैं ऑफिस से वो निकल गए थे, और वो अपने आप को शो कर रहा था कि भाई मैं क्रिएटर हूँ, मेरा 10 लाख का पेज है, तू कौन होता है, ये है वो है, तो अपने अंदर मैं थी उसके अंदर वो रहेगी। ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, तो भाई मुझे किसी ने नहीं बोला, पुरु भाई ने नहीं बोला कि वीडियो बना। मेरे को बताना सही समझता हूँ कि भाई आप लोगों को भी सच्चाई पता होनी चाहिए। और पुरु भाई ने भी क्रिकेट के बाद मुझे 2-3 चीज़ें बताई कि एक दिन क्या हुआ कि शूटिंग चल रही थी और सब कुछ, सारे सार्थक भाई वीडियो शूट करते थे, और तब ये भूख वगैरह लग रही थी इनको, तो भटूरे वगैरह खाने चले गए। अब जय का कॉल आया कि भाई तुम कहाँ हो, मैं तो लोकेशन में पहुंच गया। पुरु भाई ने कहा भटूरे खा रहे हैं भाई, सुबह से कुछ खा के नहीं आए, ना कैमरामैन ने खाया ना हमने खाया है, 10 मिनट तक आ रहे हैं भाई। वो 10 मिनट से 15 मिनट हो गए शूट पे पहुंचे, और उस बंदे ने लड़ाई करने के लिए बैगों में पत्थर, मतलब ये छोटी छोटी चीज, मतलब मारा नहीं ये नहीं कह रहा मैं, बट यही था कि क्यों भाई, पैसा तू भी कमा रहा है, पुरु भाई भी कमा रहे हैं, ठीक है, मजे तू भी कर रहा है, वो भी कर रहे हैं, ठीक है, दोनों का काम है, साथ मिलकर अच्छा कर रहा, तो क्यों लड़ाई। तो ये मेन रीजन सबसे बड़ा लड़ाई का, कुछ पैसों के चक्कर में नहीं थी लड़ाई थी, सिर्फ एक बंदे के नेचर की वजह से, तो ये सबको चुभ रही थी। तो भाई एक रिलेशनशिप था दोनों का, अब रिलेशनशिप में एक लड़ाई नहीं करता दूसरा भी करता है, तो दोनों हाथ से ताली बसती थी। तो पुरु भाई की गलती ये थी कि स्टार्टिंग में पुरु भाई का कॉलेज था, वो लॉयर हैं, तो भाई उनका कॉलेज था, तो वो 100% नहीं दे पा रहे थे जयपुर पे, तो वहाँ लड़ाइयाँ होती थी, तो पुरु भाई इतना टाइम नहीं देते थे, तो वो खाली एडिटिंग पे ध्यान देते थे, और जय भाई मैनेजमेंट वगैरह सब देखते थे। अब पता नहीं उस चीज़ का रिवेंज लिया उन्होंने, क्या लिया मुझे नहीं पता, बट भाई मैं इतना बता रहा हूँ, मैं पर वीडियो के भाई 1500 रुपये लेता था और 1600 गालियाँ सुनता था, पर मेरा ये था कि मैं काम की इज्जत करता हूँ,
और 200% मैं तब भी देता था और आज मैं जाए जस्ट पूर्व पे काम कर रहा हूँ अब भी दे रहा हूँ। और ये नहीं कि मैं बाकी क्रिएटर्स की भी एडिटिंग करता हूँ वहाँ पे भी देता हूँ, तो मेरा किसी से पर्सनल नहीं है। और भाई एक बात सुन लो, मुझे पूर्व भाई ने नहीं बोला वीडियो बनाने के लिए, और वो लिटरली हम जब शूट पे थे उनको पता नहीं था कि भाई क्या कर रहा है। मैंने कहा भैया लोगों को सच बताना है, कमेंट कर करके खा गए हैं आप लोगों को, अब रीज़न पता लग गया है, अब आप लोगों को डिसाइड करना है कि कौन सही है कौन गलत। मैंने जो अपना था बता दिया, पूर्व भाई का जो अपना था सच बता दिया, ठीक है। बाकी पूर्व भाई ने नया चैनल स्टार्ट किया जस्ट पूर्व, लिंक डिस्क्रिप्शन पे जाओ सपोर्ट करो भाई को, और बाकी मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। और मसालेदार वीडियो चाहिए हो सालों मसालों के लिए तुम यहाँ पे आते हो, क्लिक तभी तुमने किया है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, प्यार आपका, मेहनत भी आपकी, ठीक है भाई। और हाँ, मैं इधर की बात उधर नहीं करता था, समझने वाले समझ गए, लव यू।